सीएलपी की मीटिंग हुई, सीएलपी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से यूनैनिमसली दो रेजोल्यूशन पास हुए। सभी मेंबर्स आए थे, सब लोगों की स्पीकर सीएलपी की मीटिंग हुई जो अभी अभी कंक्लूड हुई है करीब, और दो रेजोल्यूशन पास हुए, दोनों सर्वसम्मति से पास हुए। पहला रेजोल्यूशन तो हमारी एआईसीसी की भी इच्छा थी और पूरे हाउस की भी इच्छा थी कि जो आउटगोइंग सीएलपी लीडर हैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया और महामहिम राज्यपाल पंजाब हरियाणा को अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। उसके आलोक में मेरे आग्रह पर हमारे ऑब्जर्वर श्री अजय माकन जी ने, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी राजस्थान के प्रभारी भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको श्री त्रिपद बाजवा जी ने सेकंड किया और सारे हाउस ने हाथ खड़े करके यूनैनिमसली जो है उसको रिजॉल्व, उसको पास किया, पारित किया। उसको अभी आपके सामने उसके कंटेंट्स श्री अजय माकन जी बता दें। दूसरा रेजोल्यूशन सब सीनियर लीडर्स की भी, मिनिस्टर्स की भी, सबकी इच्छा थी कि हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं, कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारे तरफ से आप सीएलपी के ने लीडर को चुन दें। तो यहाँ भी पंजाब कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस का अनुसरण करते हुए, उनको आदर योग्य अनुकरणीय मानते हुए हम वही रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं और उस रेजोल्यूशन को जो सीनियर लीडर हैं श्री ब्रह्म महेंद्रा, उन्होंने मूव किया जिसको श्री राजकुमार विरका, जो हमारे दलित नेता हैं, उन्होंने उसको सेकंड किया और सेकंड करने वालों में संगत सिंह गिरजिया जो एमएलए भी हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वो भी हैं, और उसको सेकंड करने वालों में हमारे बहुत सीनियर एमएलए अमरीत सिंह ढिल्लों हैं, उन्होंने भी उसको सेकंड किया और उसके बाद हाउस ने
सर्वसम्मति से सब ने हाथ खड़े करके और बोले सो निहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया। तो ये दो प्रस्ताव पास हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हमने पंजाब कांग्रेस की सीएलपी की जो इच्छा थी वो पहुंचा दी है और हम उनके निर्णय जैसे हमारे पास आ जाएगा हम आपको खबर करेंगे। हम आपको खबर यूनैनिमसली यहाँ रिजॉल्व किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ के लेजिस्लेचर की तरफ से नाम चयनित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कोई अमरिंदर ने इस्तीफा दिया उसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए हमारे यहाँ कहावत है कि जो चीज सामने दिखाई देती है और अच्छी दिखाई देती है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी और सबने एकजुट होकर के दोनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया। आप ये अंदाज लगा लीजिए बहुत कुछ छपता था बहुत कुछ सुनाई देता था लेकिन उसके बावजूद भी पूरे सारे MLAs ने एक स्वर से कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी की तारीफ में रेजोल्यूशन को सेकंड करने का काम इसको समझा जाना चाहिए। इसलिए मैं उन पूरे उस पर भी नहीं जाना चाहूँगा कि क्या धारणाएं चल रही हैं कौन क्या कह रहा है ये समय उन सब चीज़ों का उत्तर देने का नहीं है। उसके लिए मैं आपकी सेवा में बाद में भी हाजिर रहूंगा। यदि मैंने सब कुछ आज ही कह दिया तो आपकी रुचि मुझमें कल खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपकी रुचि मुझमें बनी रहे और इसलिए ये हमारे आपके सीनियर स्पोक्स पर्सन भी रहे EICC के मैं अजय जी से कहूँगा कि दोनों के जिस्ट के विषय में थोड़ा से थोड़ा अजय जी सेंटर में आ जाइए। अजय जी सेंटर में आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहां पे हुई और हमारे 80 में से 78 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव यहां पर पास हुए। पहला प्रस्ताव EICC की तरफ से कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से हरीश रावत जी के कहने के ऊपर मैंने रखा जिसमें हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा उसकी हमने तारीफ करी उसका धन्यवाद किया और साथ साथ में यह उम्मीद करी कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। और दूसरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से हमारे यहाँ पर पास हुआ जिसके अंदर कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो सर्वसम्मति जो वो चुनेंगी जो जिसको चिन्हित करेंगी वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। तो ये दो प्रस्ताव यहाँ पर हमारे सर्वसम्मति से पास हुए। जो पहला प्रस्ताव कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के की तारीफ करते हुए और उनको धन्यवाद करते हुए मैंने हरीश रावत जी के कहने पे रखा उसको त्रिपत बाजवा जी ने उसको सेकंड किया और दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्षा को जो अधिकृत किया गया है यहाँ पे चिन्हित करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता को तो उसको ब्रह्म महिंद्रा जी ने रखा राजकुमार विरका जी ने संगत सिंह गिलजियान जी ने और अमरीक सिंह ढिल्लो जी ने इन तीनों ने उसको सेकंड किया। तो ये हम लोगों का दोनों के दोनों रेजोल्यूशन हैं जिसकी जानकारी हमने कांग्रेस अध्यक्षा को दे दिया है और हम वापस उनकी तरफ से जो रिस्पांस है जो वापस उनकी तरफ से गाइडेंस और डायरेक्शंस है उसकी हम वेट कर रहे हैं और जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। नाम को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई लेकिन हम जल्दी इसको